जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों। पाकिस्तान में आज प्रधानमंत्री चुनाव हो रहे हैं। बर्बाद देश को नया प्रधानमंत्री मिलने वाला है। आज करोड़ों पाकिस्तानी अपना नया प्रधानमंत्री चुनने के लिए वोट तो डालेंगे, लेकिन उनके वोट डालने का कोई मतलब तो रहेगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री तो सेना ही चुनेगी। पाकिस्तानी आर्मी चीफ जिस भी कैंडिडेट के नाम पर मोहर लगाएंगे, पाकिस्तान चुनाव आयोग के द्वारा उसे ही प्रधानमंत्री की गद्दी मिलेगी। और ये सब कोई आज से नहीं बल्कि पिछले कई दशकों से होता आ रहा है। हाफिज सईद, नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और इमरान खान की पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। और इसी समय पर भारत ने भी पाकिस्तान के मुंह पर एक ऐसा तमाचा मारा है जिसके बाद पाकिस्तान की राजनीतिक पार्टियों को सांप सूंघ गया है। जिस कश्मीर का नाम लेकर पाकिस्तान की राजनीतिक पार्टियां वोट मांग रही थी, उसी कश्मीर पर भारत ने बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल गली गली में वोट मांगने के लिए पाकिस्तानी राजनीतिक पार्टियों के कैंडिडेट्स कश्मीर को आजाद कराने का वादा कर रहे थे। 5 फरवरी को तो बाकायदा पाकिस्तान में कश्मीर एकजुटता दिवस मनाया गया, लेकिन उसी दिन भारत ने जम्मू कश्मीर में बड़ा खेल कर दिया। भारत ने जम्मू कश्मीर के लिए बजट का ऐलान कर दिया है। ऐलान कोई छोटा मोटा नहीं है, बल्कि अब कश्मीर के पास इतना पैसा होगा कि वह पाकिस्तान जैसे देश को 2-3 बार खरीद ले। महीनों तक गिड़गिड़ाने के बाद पाकिस्तान को IMF से जितना पैसा मिला था, उससे 4 गुना ज्यादा पैसा तो भारत ने कश्मीर के विकास के लिए दे दिया है। भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर के विकास के लिए $14 अरब का बजट रखा है। कश्मीर का यह बजट कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान ने महीनों तक नाक रगड़ी, उसके बाद कहीं जाकर IMF से उसे $3 अरब मिले। यानी देश चलाने के लिए पाकिस्तान के पास $3 अरब हैं, तो वहीं जम्मू कश्मीर को $14 अरब का तो बजट ही मिल गया है। जम्मू कश्मीर के बजट में कृषि, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों पर जोर दिया जाएगा। इस खबर को देखने के बाद पूरे पाकिस्तान और POK में आम जनता का अपनी ही सरकार के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा है। POK में लोगों को सैलरी नहीं मिल रही और इसके साथ ही पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में ना तो बिजली है और ना ही साफ पानी। गेहूं और गैस के लिए लड़ना पड़ रहा है। ऐसे में कश्मीर को $14 अरब का बजट मिलते ही पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। खबर आ रही है कि कई जगह पर तो पाकिस्तान के आम लोगों ने वोट मांगने आए कैंडिडेट्स को धक्का मारकर निकाल दिया है। पाकिस्तान के लोग अपने नेताओं से पूछ रहे हैं कि जितना पैसा PM मोदी ने कश्मीर को दिया है, उतना पैसा हमें कब मिलेगा। पाकिस्तान में वोट मांगने के लिए अब जो भी कैंडिडेट कश्मीर का नाम ले रहा है, उसे जूते मारकर भगाया जा रहा है।